हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूं या तो फिर एक कुछ नई अपडेट लेकर आता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे नया वीडियो आएगा इमीडिएटली आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूं बोर्नियो के ऊपर। बोर्नियो फ्लैशर जो है फ्रेंड्स, ये एक सर्किट डायग्राम का टूल है। इसके ऊपर अभी तक किसी ने भी डिटेल वीडियो नहीं बनाई है फ्रेंड्स। आज मैं इसी की आपको डिटेल वीडियो बना रहा हूं, ताकि जितने हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बंदों के लिए बोर्नियो जो सर्किट डायग्राम है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए। इस वीडियो में मैं यहाँ पे कोई बोर्नियो की प्रमोटिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे बोर्नियो की तरफ से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया है कि हमारा वीडियो प्रमोट करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस मोबाइल रिलेटेड फील्ड में हूँ और मेरा ये काम है कि आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँ, कुछ ना कुछ बताता रहूँ, जो सच है, जो हक है, ये बताना मेरा काम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं सर्किट डायग्राम हर रोज देखता हूँ, काफी सारे डायग्राम से DKJZ है या फिर बोर्नियो है या प्रग्मा फिक्स है या फिर इसके अलावा वूजिंगजी है, ZSW है या फिर जिंगजी जाओ है, इस तरह के कॉम्बिनेट प्रो, काफी से डायग्राम्स के टूल्स आते हैं मार्केट के अंदर फ्रेंड, लेकिन ज्यादा देर तक वो अपना अपडेट नहीं दे पाते हैं, ज्यादा दिन तक वो चलते नहीं है। आपने देखा रिट्रैक्स करके आया, उसने किसी को बेच दिया। आपने देखा एफ फाइंडर करके आया, उसने किसी को सेल कर दिया अपना टूल, उसके बाद काफी साल तक वो गायब रहा, फिर वापस से अपडेट लेकर आया। तो फ्रेंड, यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बोर्नियो एक ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर फ्रेंड्स उनकी जो टीम है हर रोज मेहनत कर रही है, हर रोज एक नया डायग्राम उसके अंदर वो ऐड कर रहे हैं, हर रोज वो एक हार्डवेयर का कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं या फिर बिट मैप उसके अंदर वो ऐड कर रहे हैं या सर्किट डायग्राम वो अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे टेक्नीशियन भाइयों को काफी हेल्प हो जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, एक नया अपडेट आया है बोर्नियो का वर्जन 2.3.0, जिसके अंदर इन्होंने कुछ पैच किया है जिसे POD कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप कोई भी पावर एसी या चार्जिंग एसी या CPU किसी को भी आप डबल क्लिक करेंगे, उसे सेलेक्ट कर देंगे और राइट साइड में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है POD का, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये बता देगा आपको कि ये जो पावर एसी है कितने दूसरे हैंडसेट में, कितने दूसरे मॉडल्स में ये पावर एसी आपको मिल जाएगी। चूंकि फ्रेंड अभी तक इसके अंदर हार्डवेयर सोल्यूशन था, बिट मैप था, सर्किट डायग्राम था, इसके अलावा इन्होंने इसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ नया इसमें लाने की कोशिश की है। जैसे हमने देखा, आपने बिटमैप में आपने देखा होगा, वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं तो ब्लिंक का ऑप्शन इन्होंने लाया कि वहां पे ब्लिंक होते हैं सारे कंपोनेंट जो एक लाइन से जुड़ के होते हैं, वो सारे हमको शो हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने वहां पे कलर वाइज चेंज किया। इसके अलावा उन्होंने हमको ये बताया कि सीरीज में और पैरेलल में कौन से कंपोनेंट यहां पे लग के है। इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर बताया कि कोई लाइन कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होती है, क्योंकि फ्रेंड्स एक आईसी से जब एक सप्लाई बाहर आती है तो कहीं ना कहीं जाकर वो डेड एंड होती है, जैसे कनेक्टर तक आती है या किसी ना किसी टिप्स पे आके वो सप्लाई खत्म होती है, या तो किसी दूसरे आईसी के साथ, एक आईसी से दूसरे आईसी के साथ वो कनेक्शन होता है। तो ये जो डायग्राम है बोर्नियो, इसने काफी सारा हेल्प किया है नए टेक्नीशियन भाइयों को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, जो POD करके इन्होंने नया ऑप्शन निकाला है, इसमें आपको कंफर्टेबल पावर दूसरे हैंडसेट में किस में से आपको निकालना है, दूसरे कौन से हैंडसेट में आपको पावर मिल जाएगा, CPU मिल जाएगा, चार्जिंग ऐसी मिल जाएगी, ग्राफिक ऐसी मिल जाएगी, नेटवर्क ऐसी मिल जाएगी, इस तरह से इन्होंने अपडेट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो अपडेट इन्होंने दिया है, ये 1 मार्च को इन्होंने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपके पास डायग्राम नहीं है तो बोर्नियो लीजिए, उसको देखिए, उसको सीखिए। फ्रेंड्स, जितना हम हैंड स्किल के काम पे ध्यान देते हैं, उतना ही हमको सर्किट डायग्राम पे भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक गाड़ी के दो टायर की तरह होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हैंड स्किल का काम अच्छा कर लेंगे तो सप्लाईओं में फंस जाएंगे, सर्किट में आप फंस जाएंगे, आपको वोल्टेज मेजरमेंट, सिग्नल मेजरमेंट ये आपको देखने नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहता हूं आप दोनों काम करिए, हैंड स्किल के काम पे भी उतना ही वक्त दीजिए और सर्किट डायग्राम को भी आप वक्त दीजिए, ताकि आप दोनों काम मिलाकर आप करेंगे तो आपका हैंडसेट 100% बन के जाएगा, कोई भी सेट वापस नहीं जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सर्किट की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
कौन सा कंपोनेंट कितने वैल्यू का लगा है, कौन से कनेक्शन में लगा है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, या फिर उसका जो सर्किट है डिवाइडर सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, सीरीज सर्किट है, कौन सा सर्किट है आपको समझना होगा, बक सर्किट है, बूस्ट सर्किट है, क्या वहां पे वोल्टेज काम कर रहा है, क्या एम्पियर वहां पे चल रहा है, कैसे वो सर्किट काम कर रहा है, आईसी का वहां पे क्या काम है, कॉम्पोनेंट है पैरेलल में है तो क्या काम कर रहे हैं, सीरीज में है तो क्या काम कर रहे हैं, रजिस्टर क्या काम कर रहा है, डायोड क्या काम कर रहा है, और ओवीपी आईसी है वो क्यों लगाया गया है, उसके अंदर क्या क्या लाइन्स आ रही है, कोई भी एक आईसी है, लाइट आईसी, चार्जिंग आईसी, ग्राफिक आईसी, कितने सप्लाई इनपुट में दिए जा रहे हैं, क्या क्या सप्लाई एक आईसी को दिए जा रहे हैं, क्या सिग्नल उसको मिल रहा है, क्या इनेबल लाइन उसको दी जा रही है, क्या आई टू सी लाइन से कंट्रोल कराया जा रहा है, क्या एसपीआई लाइन उसको मिल रही है, तो ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। एक अच्छा आपको टेक्नीशियन बनना है, एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है, तो ये सप्लायरों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आईसी का काम तो आप 4-5 दिन 8 दिन 10 दिन महीने भर में सीख जाएंगे, लेकिन सर्किट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, के सर्किट काम कैसे कर रहा है फ्रेंड्स। आपको मोबाइल बनाने के लिए सर्किट की नॉलेज बहुत जरूरी है, तो दोनों चीज बहुत जरूरी है, हैंड स्केल का काम प्लस सर्किट की नॉलेज। अगर आप चाहे तो बॉर्नियो ले सकते हैं या दूसरे भी डायग्राम लीजिए, किसी एक डायग्राम में सारी की सारी चीज नहीं होती है फ्रेंड्स। बच्चे पूछते हैं क्या सर आप बॉर्नियो ले लेंगे तो काफी हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक एक दो महीने में आपको एक एक डायग्राम जितने डायग्राम मार्केट में है सारे के सारे आपको लेने पड़ेंगे। प्रग्मा फिक्स है या डीकेजेड है या वू जिंग जी है, जिंग जी जाओ है या कॉम्बिनेट प्रो है या बॉर्नियो है, इस तरह के काफी सारे मार्केट में आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, आपको लेने पड़ेंगे, किसी में कुछ नहीं होगा तो किसी में मिल जाएगा। इसी तरह से हलब टेक है, मोबाइल वन टेक है, इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, आपको लेने पड़ेंगे अगर अच्छे लेवल पे आप काम करना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम हैंड स्केल के काम में तो पीछे नहीं हटते हैं, तो डायग्राम में भी आपको पीछे नहीं हटना है, दोनों चीज लेकर चलिए, बहुत आगे जाएंगे, आपका काम सक्सेस होते जाएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था फ्रेंड्स, जो कि बॉर्नियो फ्लैशर ने एक नया अपडेट दिया है कंफर्टेबल आईसी को ढूंढने का। फ्रेंड आप देख सकते हैं पीओडी पे, जैसे आप चेक करेंगे नीचे राइट साइड में आपका एक विंडो खुल जाएगा, उसमें आपको ये बता रहा है कि कौन से आईसी कहां कहां दूसरे हैंडसेट में मिलेंगे। जैसे डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे वहां पे वो दूसरा डायग्राम भी आपको खोल के बता देगा कि उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, है तो फिर उसमें क्या नंबर उसमें डायग्राम में लिख कर है। जैसे आईसी हमारा हमेशा यू से मेंशन होता है, 2805 2605 या फिर कुछ भी हो सकता है, बट यू से आपका आईसी ही मिलेगा, तो आप आईसी कंफर्टेबल उसमें ढूंढ सकते हैं कि दूसरा कौन से हैंडसेट में हमको ये पावर मिल जाएगा, चार्जिंग मिल जाएगा, किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इन्होंने अपडेट दिया है, जितना ये कर सकते हैं उतना ये कर रहे हैं, अगर आपको चाहे तो हेल्प होती है तो ले लीजिए, एक साल तक ये आपको हेल्प करता रहेगा, बहुत ही कम चार्ज इन्होंने रखा है, इसका सपोर्ट आप ले सकते हैं काम करने के लिए। दोस्तों अगर अच्छे लेवल पे आपको सर्किट लेवल पे डीप लेवल पे अगर आपको एक चिप लेवल पे एडवांस लेवल पे आपको सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोन पिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे यहाँ पे नंबर दिया गया है, कॉल करिए व्हाट्सएप करिए, नेक्स्ट बैच 27 मार्च से है। एक अच्छे हैंड स्किल का काम सीखना है, एक अच्छा सर्किट लेवल का काम सीखना है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फोन पिक्स हैदराबाद, जहाँ पे हम आपको एक टेक्नीशियन नहीं एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन हम यहाँ पे आपको बनाएंगे, आपका हैंड स्किल का काम हम आपको ऐसे सिखाएंगे, कोई भी आईसी आप खोलने से बिल्कुल नहीं डरेंगे, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो या डबल डेकर सीपीयू हो, सब कुछ आप बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड आईसीओ के अलावा हम सर्किट की नॉलेज देते हैं, कल के दिन कोई भी नया हैंडसेट आपके पास आ जाए, आप बहुत ही इजिली उस डायग्राम के थ्रू या फिर यूनिवर्सल मेथड से आप कोई भी हैंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। अगर नॉलेज नहीं लेके काम करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को तो हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया बहुत आगे चला जाएगी, सर्किट बहुत आगे चला जाएगा और हम नोकिया माइक्रोमैक्स और लावा वगैरह के जैसा पीछे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपडेट रहना है तो कोशिश करिए, सीखते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया करिए, जुड़े रहिए फोनपिक्स हैदराबाद टीम के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाता रहूंगा मैं इसी तरह से आपके लिए एक नई नई अपडेट, अच्छे अच्छे वीडियोस, जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं ये नया इसका लुकआउट है बॉर्नियो का, और ये जो वर्जन है मेरे पास लेटेस्ट वाला मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अभी फास्ट चल रहा है पहले से, अगर आप बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं ये इसका थोड़ा सा नया लुकआउट है,
और ये जो वर्जन है फ्रेंड्स 2.3.0 पैच 0203 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो आज डेट है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च की 2 तारीख अभी लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नया अपडेट है इनका। सैमसंग A037 सैमसंग गैलेक्सी का इन्होंने ऐड किया, टेक्नो का कुछ इन्होंने बिटमैप ऐड किया यहाँ, हार्डवेयर सोल्यूशन और Xiaomi Mi Pad का 5 Pro का 5G का स्कीमेटिक इन्होंने ऐड किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप वगैरह के लिए भी इन्होंने तोशिबा स्कीमेटिक यहाँ पे ऐड किया, न्यू डेल और मॉनिटर वगैरह इन्होंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ शो मोर करेंगे आप तो और भी बताएगा ये कब कब क्या क्या इन्होंने इसमें ऐड किया आईफोन वगैरह। तो फ्रेंड्स इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन पहले मिलेगा आपको, सेकंड मिलेगा बिट मैप। हार्डवेयर सोल्यूशन में फ्रेंड्स आपको सप्लाइयों की एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे मैं वीवो V15 का डायग्राम खोल रहा हूँ ऑन ऑफ वॉल्यूम की, तो यहाँ पे आपको एक ट्रैक बताएगा ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा है, बीच में क्या कॉम्पोनेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हार्डवेयर सोल्यूशन में ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मैं फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ POD के बारे में नहीं बल्कि सारा का सारा बॉर्नियो का एक मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको, ओवरव्यू बहुत ही शॉर्टकट शॉर्ट टाइम में दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मैं माउस से ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ पे पावर की वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप के बारे में इन्होंने सप्लाई दी है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस ब्लू स्लाइड पे तो ये देखिए बड़ा पेज हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस यानी जूम इन होगा और ये जूम आउट होगा यानी छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी वॉल्यूम के जो की है या पावर की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वॉल्यूम डाउन है और ये वॉल्यूम अप के लिए है, दोनों सप्लाई यहाँ पे है। और अगर पावर की बात करें फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है पावर की के लिए, मैं जूम करके आपको बताना चाहूंगा। ये रेड कलर जो देख रहे हैं आप ये पावर की सप्लाई है जो कि यहाँ पे इस टेस्ट पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सीरीज में इस तरह का एक रेजिस्टर मिलेगा, एक यहाँ पे एक पैरेलल में कोई कंपोनेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरीज में रजिस्टर एक पैरेलल में, उसके बाद यही लाइन आपकी जो जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट है पावर की का टिप्स है यहाँ पे, जो आपका पावर की का एक पैड होता है यहाँ से आपका ग्राउंड के साथ शॉट करेंगे आप तो मोबाइल ऑन होता है आपका। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड है यहाँ पे बीच में जीना डायोड, एक सीरीज में एक रजिस्टर रखा गया है, उसके बाद यही लाइन फ्रेंड्स आपकी चले जाती है आपकी IC में, ये देख सकते हैं यहाँ पे IC के ये नंबर बॉल में आपकी ये पावर की लाइन आती है, ये पावर IC से ही सप्लाई आती है जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये हार्डवेयर सोल्यूशन में इस तरह की लाइनें इन्होंने बताती है बताते हैं पावर के हो या वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन की हो, जैसा कि देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन में भी यहाँ पे इन्होंने ये इसके पैड से निकाला है इन्होंने, जो कि यहाँ पे आपका कनेक्टर लगता है पावर की का पत्ता लगता है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सीरीज में दो कंपोनेंट मिलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टिप्स है एक डायोड है पैरेलल में, उसके बाद एक रेजिस्टर है, उसके बाद ये लाइन आपकी अगर आप देखेंगे तो ये चले जाती है CPU में KP कोलो यहाँ पे लिख के, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम डाउन की सप्लाई आती है। तो ये एक हार्डवेयर सोल्यूशन में इन्होंने रखा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से वापस से मैं इसको छोटा करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। तो हार्डवेयर सोल्यूशन के बाद बिट मैप यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिट मैप में क्या होता है फ्रेंड्स आप कोई भी मॉडल ले लीजिए उसकी ट्रैक कहाँ कहाँ जा रही है ये आपको ये बता देगा बहुत ही इजीली, अगर आपको डायग्राम रीड करने नहीं आता है तो ये आप लेकर के काम कर सकते हैं। तो इसमें बिट मैप का एक सोल्यूशन इन्होंने रखा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने के लिए तो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखिए Redmi 4A का मैंने यहाँ पे डायग्राम ओपन कर दिया है, यहाँ पे भी PCD का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन रखा है अवेलेबल जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बिट मैप होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लकीर की लाइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से लकीरें ऑन हो जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी कनेक्टर की बात करते हैं, अगर बैटरी कनेक्टर की अगर आप सप्लाई की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप चेक लगाएंगे तो ग्रीन कलर का आप जितना भी आप देख रहे हो ये बैटरी कनेक्टर की सप्लाई है जो कि एक IC तक जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से निकल के यहाँ पे दो पैरेलल कंपोनेंट इन्होंने बताए हैं, और उसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है फ्रेंड्स ये आपको देखना है तो यहाँ पे आप चेक लगा सकते हैं। तो सीधा आपको देखने को मिलेगा बैटरी कनेक्टर की सप्लाई यहाँ से होकर के दो पैरेलल में कोई डायोड लगकर है दो कैप लग के है, इसके बाद यही सप्लाई यहाँ पे एक सीरीज में आपको एक रेजिस्टर मिलेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे जैसे ही चेक लगाएंगे तो आप यही सप्लाई आपकी इतने सारे सेक्शंस में जाती है। वी बैट की लाइन आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सारे सेक्शन में आपको जाती हुई नजर आएगी। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आपको ब्लिंक का ऑप्शन है, ये ब्लिंक पे आप चेक लगा देंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई है फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पे जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट की तरह इस तरह से ये ब्लिंक होगी, या लाइन भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जा रही है, वहीं पे आपको ये ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। ये देख सकते हैं ये सप्लाई कहाँ पे जा रही है, कौन सी सप्लाई है, क्या है, इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका एक बिट मैप है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं ये एक बिट मैप है जिसके अंदर आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे ये वीपीएच लाइन है कहाँ कहाँ पे जा रही है ये आपको बता देगा। ये देख सकते हैं वीपीएच लाइन कितनी जगह पे जा रही है। अगर आप चाहे तो यहाँ से लाइन भी देख सकते हैं, ट्रैक कहाँ कहाँ पे जा रही है। ये सारे जो लाइनें दिख रही है आपको एक ही लाइन है जो कि हमारी वीपीएच लाइन है। तो यहाँ पे आप ये ब्लिंक करके देख सकते हैं, या ब्लिंक को हटाना है तो बस ब्लिंक पे आप टिक लगा दीजिए तो ब्लिंक भी हो जाएगा। तो काफी सारी इसके अंदर ऑप्शंस यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए लेआउट मोड है, पीसीबी ट्रेसिंग मोड है, या फिर मार्क सेलेक्टेड पार्ट है। तो यहाँ पे ब्लू कलर के जो पिंस होते हैं एनसी होते हैं, ग्रे कलर है और जो ग्रे कलर ग्राउंड होते हैं, और ग्रीन कलर जो है आपकी सप्लाई लाइन होती है। तो ये एक बिट मैप में इन्होंने ऑप्शन रखा है। अगर आप चाहे तो इस तरह से लाइन भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं बात करूं इस साइड में कॉइल के, वीपीएच कॉइल के इस साइड में देखें यहाँ पे एक सीरीज में बूट कैप मिलेगा और यही कॉइल इस आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक इन्होंने बिट मैप में रखा है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारा जो डायग्राम की बात करें फ्रेंड, डायग्राम में जो इन्होंने नया लेटेस्ट अपडेट दिया है, चलिए बात करते हैं उसकी। एक मॉडल ओपन करता हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि रेडमी 6 से मॉडल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक लेआउट ओपन करूंगा इसका। लेआउट में क्या है ना फ्रेंड्स, हमको ये आपको देखने को मिलेगा कि कौन से आईसी इसके अंदर है, तो वो आईसी कौन से दूसरे मॉडल में है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्राम है ऊपर और नीचे लेआउट। तो लेआउट में फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पीसीडी का नया ऑप्शन इन्होंने दिया है, पीसीडी अवेलेबल। इसके अंदर फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर आईसी है इसमें। अब मुझे ये पावर आईसी चाहिए, ये आईसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो कौन से दूसरे हैंडसेट में ये पावर आईसी मेरे को मिल जाएगी। जैसे कि U2002 यहाँ पे सेलेक्ट 2001 में सेलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीसीडी पे जैसे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एक पीसीडी का एक वर्जन 1.0 बेटा जो इनका एक नया पैच है ये ओपन हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमको बताएंगे कि ये दूसरे कितने हैंडसेट में ये आईसी आपको मिलेगा और वहां पे उस मॉडल में क्या नंबर से मिलेगा। जैसे यहाँ पे U2001 है, तो अगर बात करें मोटरोला में U2000 देखने को मिलेगा, मोटो E6 प्लस, E6 प्ले में अगर देखेंगे तो 201 मिलेगा। ये मोटरोला के काफी सारे मॉडल्स में आपको आईसी देखने को मिलेगी। ओप्पो के काफी सारे मॉडल्स है A73S, रियलमी C2 में आपको यही आईसी देखने को मिलेगी। सेम पावर आपको रियलमी C2 में भी मिलेगी, वो भी एक मीडियाटेक चिपसेट है। अगर बात करें फ्रेंड्स आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए और भी मॉडल है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो और भी मॉडल है, MI Play में मिलेगी, Redmi 6 6A में मिलेगी, Redmi 9A में भी यही पावर आपको मिलेगी। अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे Realme C2 का डायग्राम अगर खोल के बताऊँ आपको, तो उसमें भी आपको यही आईसी मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे इसे तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यस करना है आपको। यहाँ पे देखिए पीसीडी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फिर से एक लेआउट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देख सकते हैं Realme C2 का एक नया टैब ओपन हो गया और इसके अंदर भी वही पावर मिलेगा आपको, बल्कि पावर आईसी का जो नंबर है U2000 मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स U2000 से आपको ये पावर आईसी मिलेगी, जो कि हमको ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बता दिया था कि Realme C2 के अंदर U2000 से मेंशन है, वही चीज हमको यहाँ पे वही आईसी मिलेगी। अगर आपके पास Redmi 6 से आता है, अगर आपके पास पावर आईसी ये वाली अवेलेबल नहीं है, तो आप Realme C2 से निकाल सकते हैं, उसमें से डाल सकते हैं, ये इसका कंफर्टेबल एक पावर है। इसी तरह से फ्रेंड चार्जिंग आईसी, ग्राफिक आईसी, नेटवर्क आईसी दूसरे मॉडल्स में मिलती है, तो आप इसमें से देख सकते हैं, देख इसमें से डाल सकते हैं। ये एक नया अपडेट बोर्नियो की टीम ने दी है, जो कि हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए
बहुत ही अच्छा अपडेट है, एक नया अपडेट है, तो इससे आपको बहुत कुछ आसानी हो जाएगी मोबाइल रिपेयर करने में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बोर्नियो ने मुझे कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया है कि उनके बोर्नियो को अपडेट करें, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये भी एक इंसान ही बना रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मास्टर लोग बना रहे हैं या कोई ऊपर से भगवान बना रहा है। बोर्नियो भी जो है इंसान ही बनाता है फ्रेंड्स, इसमें होती हैं कुछ गलतियाँ, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो फ्रेंड हमको सबको लेकर चलना होता है, सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ, फोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ जुड़े रहिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाइए, ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच 27 मार्च से है, एंड्रॉयड का कंप्लीट कोर्स जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएमसी का काम हम सिखाते हैं। इसके अलावा हमारा एमएमसी का जो क्लास है 17 मार्च से है फ्रेंड्स, चाहे तो 10 दिन का क्लास है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमएमसी प्रोग्रामिंग यूएफआई इजी अटैक के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा में सीखने को मिलेगा, हार्डवेयर में आईसी रिबॉलिंग, सीपीयू रिबॉलिंग, डबल डेकर सीपीयू बनाना, ब्लैक पेस्टेड आईसी कैसे खोली जाती है, डेड एंड्रॉइड में से शॉर्टिंग कैसे निकाली जाती है, डीएसओ की पूरी कंप्लीट क्लास होती है। व्हाट्सअप करिए और सारी डिटेल ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।